हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 16 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। करेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वल टू 16 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल, आप इधर लिख भी सकते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो क्या है, स्क्वायर रूट √3 इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए हमारा साइड होगा, ट्रायंगल का साइड होगा। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहां पर हम वैल्यू पुट करना है इस इक्वल टू दिस। तो 16 × √3 इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है कि नहीं। ये जो वैल्यू हमको गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के वैल्यू गिवन है और एरिया का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, तो इसी फॉर्मूला को हम इक्वल करके ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप इसको लेफ्ट में, इसको राइट में ले सकते हो क्योंकि हमको ए चाहिए। √3/4 इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू 16 × √3। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ए स्क्वायर को हम रख देंगे और ये जो 4 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × √3 × 4, और ये जो 4 मल्टीप्लाई है वो डिवीजन पे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम वैल्यू पुट नहीं की है क्योंकि इस स्क्वायर रूट और दिस स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो जहां पर आपको जरूरत होगा वहां पर आपको वो वैल्यू 1.73√3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इजिकल टू 16 × 4 = 64 और ए इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आ जाएगा, 8 × 8, है कि नहीं, जो कि फाइनल हमारा 8 आंसर और उसका यूनिट सेंटीमीटर पे। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 8 cm आंसर। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 cm। टेक स्क्वायर √3 इज इक्वल टू 1.73। करेक्ट, तो कैसे करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। करेक्ट, तो वो फॉर्मूला उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, एरिया, पहले हमको एरिया पता है ट्राइंगल का, सिंपल ट्राइंगल का एरिया 1/2 × बेस × हाइट, है कि नहीं। और नेक्स्ट हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसको हम अगर इक्वल कर देंगे उसी में से, हम ये जो साइड गिवन है इसी में से हम साइड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 1/2 × बेस, कितना बेस, साइड जो है ट्राइंगल का जो साइड है वो हमारा बेस ही रहेगा, ठीक है। तो बेस हम पुट करेंगे 24, अदरवाइज आप हाँ ऐसे लिख देंगे, 1/2 बेस × हाइट इजिकल टू स्क्वायर √3/4 इंटू कितना, ये जो है ए स्क्वायर लिख देंगे और 1/2 अभी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम 24 और हाइट को ऐसे रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे,
थ्री बाय फोर, सॉरी रूट थ्री बाय फोर इंटू ए जो है, ये तो साइड गिवन है ना, तो वहां पर हम 24 इंटू 24 ऐसे भी पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। और नेक्स्ट हमको हाइट चाहिए, हाइट को रख देंगे, बाकी राइट पे ले लेंगे, रूट थ्री बाई फोर इंटू 24 इंटू 24, और ये जो 24 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 2 डिवाइड है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 24 एक 24 चला गया, ये 2 2 आ गया, 2 12 हुए कि नहीं। तो हाइट हमारा कितना आया, हाइट एच इज इक्वल टू रूट थ्री के जगह हम वैल्यू, अदरवाइज हम रूट थ्री इंटू 12 लिख सकते हैं, 1.73 अभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमको ऑलरेडी गिवन है, इंटू 12, यहां पर हम 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्स सेवन वन 2076 मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना आया, इज इक्वल टू 2076। नेक्स्ट ये जो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, ये दो डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो फाइनल 20.76 मैं और एक बार लिख दे रही हूँ, और हाइट का यूनिट सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।